आज मैं जो चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप दाल चावल के साथ, पुलाव के साथ, खिचड़ी के साथ, भजिया के साथ खा सकते हैं, 3 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। Hey everyone, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पुदीने की इतनी लाजवाब चटनी की अगर आप खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। ये चटनी आप रमजान में पूरा महीना इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरा महीना कोई सी भी डिश के साथ इसको खा सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान 2 मिनट में बनने वाली है ये चटनी। और खाने वाला भी उंगली चाटते रह जाएगा और जिसके वहाँ भेजेंगे वो भी आपसे रेसिपी पूछेगा कि इसको आपने कैसे बनाया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले सारे इंग्रेडिएंट दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने ले ली हूँ हमारा कटोरी, जिसमें हम मिक्सर में पीसेंगे, वाटी में, वाटी ले ली हूँ। सबसे पहले इसके अंदर आपको डालना है पुदीना। तो ये पुदीने की चटनी है तो ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले हम लोग इसको धुल लेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और पानी निचोड़ लेंगे, ठीक है। अब इसको साइड में करने के बाद हम लेंगे इसके अंदर धनिया। धनिया में थोड़ा सा ऐड की हूँ क्योंकि मेरे पास धनिया खत्म हो गई थी, मैंने दूसरी रेसिपी में डाल दी थी। आपको थोड़ा सा ज़्यादा धनिया डालना है, मैं थोड़ा कम क्वांटिटी में बना रही हूँ। मैं जब भी यूज़ करती हूँ तो सबसे पहले मैं मतलब रोज़ बनाती हूँ, रोज़ खाती हूँ। तो आप चाहे तो इसको एक दिन बना के 3 दिन तक खा सकते हैं बिना ख़राब हुए। यहाँ पर मैंने एक आड़ी लहसुन ली हूँ, आप देख सकते हैं इसका तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा, ठीक है। लहसुन मैंने ऐड कर दी हूँ। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी हमारी जो है इमली। अगर आप चाहे तो खटाई भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास अभी खटाई नहीं है तो मैं इमली ऐड कर रही हूँ। रमज़ान शरीफ में तो सबके पास इमली होती है क्योंकि बहुत सारी रेसिपी में इमली का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर हमारी जो इमली है ये ऐड कर दी हूँ। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक, आपको नमक ऐड करना है। नमक मैंने डाल दी हूँ यहाँ पे, आपको मतलब थोड़ा कम नमक डालना है, ज़्यादा नमक नहीं करना है वरना आपकी जो चटनी है ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहे तो इसके अंदर नींबू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी नींबू नहीं ऐड कर रही हूँ, बाद में आखिरी में ऐड करूँगी। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर हींग भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप हींग डालेंगे तो इससे तो बहुत ही लाजवाब चटनी बनेगी। ये चटनी आप किसी भी भजिए के साथ खा सकते हैं, किसी भी रेसिपी के साथ मिला के आप खा सकते हैं, रगड़े के साथ भी खा सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एक टमाटर। अब मैं इसके अंदर एक टमाटर ऐड कर दी हूँ, ठीक है। टमाटर आपको ज़्यादा नहीं डालना, अगर आप ज़्यादा टमाटर डालेंगे तो आपकी चटनी एकदम पतली हो जाएगी। पानी का ऐड बिल्कुल भी नहीं करना है, पानी को बिल्कुल भी नहीं डालना है, ठीक है। अब मैं इसको ढक के पीस लूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको लगा के मस्त में ये देखो, मैंने इसके अंदर मिर्ची डालना तो भूल ही गई थी। ये देखो मैंने इसके अंदर मिर्ची डालना भूल गई थी, अभी मिर्ची डाल रही हूँ। मैं मिर्ची डालना भूल गई वीडियो बनाने के चक्कर में, अब मैंने वापस से मिर्ची डाल के इसको पीस ली। चलिए अब मैं बताती हूँ। मुझे मालूम याद आया कि मैं मिर्ची नहीं डाली, मिर्ची डालने के लिए बोली थी लेकिन मैं मिर्ची निकाली नहीं थी। देखो मिर्ची खा तो सकती नहीं हूँ क्योंकि मेरा रोजा है। बहुत टेस्टी लग रहा है। तो यहाँ पर मेरे जो चटनी है पिस चुकी है, ये देखिए आप कितना लाजवाब बढ़िया सा माशाल्लाह बन गया है। और ये इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आहा माशाल्लाह, बस क्या बताऊँ, अगर आप ये खाओगे ना खाते ही रह जाओगे। तो चलिए भैया फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना, जिसमें आपको मेरी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।